तो हेलो रुकनू भाई चैनल आज चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग की सत्य प्रेम की कथा के ऊपर हम थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, गौर किया, समझा, तो मुझे फिल्म ना और अच्छी लगने लगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग फिल्म के अंदर ना काफ़ी अच्छा पोटेंशियल था, मतलब है, और फिल्म उस तरह से आई भी सामने। अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन इतने आ नहीं रहे। फर्स्ट डे 9 करोड़, सेकेंड डे 7 करोड़, तो आज उम्मीद है कि फिल्म 10 के आसपास जा जाएगी और संडे को 12 तक। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑडियंस को चाहिए क्या। इस फिल्म के अंदर ना कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन सब कुछ है। इसके अंदर एक्टर्स की एक्टिंग भी टॉप नॉच है। स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो सेकेंड हाफ के बाद KR आडवाणी, कार्तिक आर्यन, सेकेंड हाफ में उन दोनों ने फाड़ दिया था। इसके अलावा जो कार्तिक आर्यन की फैमिली दिखाई है, उनकी और कार्तिक आर्यन की बॉन्डिंग हो, KR आडवाणी की फैमिली दिखाई है, उनके प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई है। स्पेसिफिक सोशल मैसेज दिया गया है। जो फर्स्ट हाफ में कॉमेडी चलती है, इंटरवल तक एक ट्विस्ट आता है, और इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ में और एक ट्विस्ट आता है एंड चीज़ें सीरियस होने लगती है। जैसे ही सेकेंड हाफ के अंदर चीज़ें सीरियस होने लगती है, ऐसा फील नहीं होता कि अचानक कॉमेडी से सीरियस टोन में चले गए, एकदम स्मूथ में वो लोग लेके जाते हैं। अब मैं इसकी तारीफ डायरेक्टर की करूँ, राइटर की करूँ या फिर एक्टर्स की करूँ, कि वो महसूस होने नहीं देते कि फिल्म सीरियस हो चुकी है। चलती रहती है और हमें धीरे धीरे इमोशंस फील होते। मुझे इस फिल्म से एक की कमी है और वो है इसके 2-3 गाने। अगर एक दो गाने अगर हटा देते और एंडिंग को थोड़ा और टाइम देते तो मुझे लगता है अच्छा रहता, क्योंकि एंडिंग जस्ट आते आते फिल्म ख़त्म हो गई। क्योंकि थोड़ा सा और टाइम मिलता ना एंडिंग को तो ज़्यादा अच्छा लगता। जो फाइनल डिसीजन का टाइम था पूरे फिल्म का, वो लास्ट के 5 या 6 मिनट में होता है, तो थोड़ा और टाइम दिया जाता ना तो मज़ा आता। जब इस फिल्म के अंदर कार्तिक आर्यन लास्ट में बोलते हैं कि शुरू कीजिए सत्यनारायण की पूजा, तब मुझे एक्चुअली में समझ में आता है कि इस फिल्म का टाइटल सत्य प्रेम की कथा क्यों है। ना कैरेक्टर्स के नाम पर नहीं, एक्चुअली में एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए बोला जाता है सत्य प्रेम की कथा, और मुझे लास्ट में समझ में आया। काफ़ी अच्छी फिल्म है, नो डाउट, ऑडियंस को जाके देखना चाहिए। फुल एंटरटेनर है, फैमिली ड्रामा, दो किसी सीन है, बाकी सब चलता है। कॉमेडी है, अच्छा है, फिल्म में गाने भी चलते, बस थोड़ा टाइम दिया जाता ना एंडिंग को तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी मैं मिलता अगली वीडियो में, बाय बाय और जय हिंद।